शर्मिला टैगोर भारतीय फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री रही हैं। बंगाल से बॉलीवुड का सफर शुरू करने वाली रूप की रानी शर्मिला टैगोर ने सात समंदर पार भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। रूप तेरा मस्ताना और दिल ढूंढता है दिल कहीं गीत में शानदार एक्टिंग करने वाली शर्मिला टैगोर का आज जन्मदिन है। भले ही नई पीढ़ी उन्हें सैफ अली खान की माँ और करीना कपूर की सास के रूप में जाने, लेकिन जितनी शानदार उनकी एक्टिंग होती थी उतना ही हाई उनका ग्लैमर क्वोशेंट था। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बात। गुजरे जमाने की अदाकारा शर्मिला टैगोर ने हिंदी फिल्मों में जो मुकाम हासिल किया है वह कम लोगों को नसीब हुआ है। शर्मिला टैगोर सिर्फ डांसर बनना चाहती थी, एक्टिंग में उनका आना इत्तेफाक ही कहा जाएगा। शर्मिला के फिल्मी करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में 1959 में सत्यजीत राय की फिल्म अपूर संसार से हुई। इसमें श्रेष्ठ अभिनय के कारण वह जल्द ही दुनिया भर में मशहूर हो गई और कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका दिया। 1959 से 1984 तक रुपहले पर्दे पर शर्मिला के रूप और अदाओं का राज रहा है। वह 1991 से 2010 तक अलग अंदाज में पर्दे पर सक्रिय रही। भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार शर्मिला टैगोर ने अपने अभिनय के दम पर आराधना, अमर प्रेम, सफर, कश्मीर की कली, मौसम, तलाश, वक्त, फरार, आमने सामने जैसी सुपरहिट और यादगार फिल्में दी। भारतीय फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। पिता गीतेंद्रनाथ टैगोर गुलाम भारत में एक कंपनी में महाप्रबंधक थे तो माता असम से थी। शर्मिला की नानी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के भाई दविजेंद्रनाथ टैगोर की नातिन थी। शर्मिला का विवाह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से 27 दिसंबर 1969 को हुआ था। 1964 में शर्मिला को फिल्म मेकर शक्ति सामंत ने कश्मीर की कली में शम्मी कपूर के साथ पर्दे पर उतारा। तब शर्मिला की ताजगी और गालों में गहरे पड़ने वाले डिंपल्स का उनके फैंस ने खुले मन से स्वागत किया। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, गुलजार और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने शर्मिला के साथ फिल्मों में बेहतर ट्रीटमेंट किया। शर्मिला ने अपने दौर की हीरोइंस के उलट मॉडर्न तरीके से दर्शकों के बीच एक्टिंग की। फिल्मी करियर की शुरुआत के 16 साल बाद गुलजार की फिल्म मौसम के लिए नेशनल अवार्ड और फिर साल 2013 में पद्म भूषण से नवाजा गया। फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन रही शर्मिला क्रिकेट नवाब पटौदी से शादी के बाद ग्लैमर वर्ल्ड में ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रही। बच्चों के बड़े होने के बाद उन्होंने कुछ परिपक्व चरित्र भूमिकाएं निभाई। नवाब पटौदी के निधन से वह अकेली जरूर हो गई हैं, लेकिन बेटा सैफ अली और दो बेटियां उनके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A1 TV जयपुर।